हेलो मेरे प्यारे किसान दोस्तों, आज मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ जिसमें एक छोटे से पौधे पर मात्र एकदम PIP फ्रूट्स लगा हुआ है, जो लगभग आप देख सकते हैं कितना हो सकता है। देखिए गाइस, इस पर हर एक टहनी पर फ्रूट लगा हुआ है और ये मात्र 7 महीने का पौधा है। देखिए गाइस, और ये फ्रूट भी इसी पर से हमने तोड़ा है अभी। देखिए गाइस, और भी लगे हुए हैं। देखिए इस सारे अमरूद कच्चे हैं, ये कम से कम 2 महीने के बाद पकेगा। अभी 2 महीने 1 महीने में इसे फ्रूटिंग तैयार होगी। ठीक है, जड़ में भी लगे हुए हैं ये। देखिए अभी भाई, देखिए जो घास है ये, इस घास की सफाई अभी मजदूर लेबर लगी हुई है इसमें, अभी इसकी सफाई होगी और इसके अंदर खाद डलेगा, फिर इसके पानी रहेगा, फिर ये एकदम सुरक्षित रहेगा पौधा। इस पेड़ पर कोई भी परेशानी नहीं है और फ्रूटिंग भी आप देख सकते हैं कितनी अच्छी है, और इसे गोल्डन क्वालिटी है। गोल्डन क्वालिटी जो होती है, इसको मार्केट में बिल्कुल आसानी से सेल करा जा सकता है। ये खाने में और देखने में बहुत ही सुंदर होता है, इसको आसानी से हम मार्केट में बिना कोई झंझट के बिल्कुल सेल कर सकते हैं। इसको देखिए आप, इसकी खूबसूरती, इस पर देखिए बिल्कुल ये एकदम फ्रेश होता है और खाने में भी बहुत अच्छा होता है, इसमें कोई भी परेशानी नहीं होती है। और ये बहुत ही पेड़ पर आने में बहुत ही अच्छा होता है, पेड़ पर हर एक टहनी में अमरूद आता है ये। जी गाइस, हमारे केवल ये छोटा सा ही पौधा है, अभी मैंने आपको बताया था छोटा सा पौधा, और आप ऐसे फ्रूटिंग देख ही सकते हैं। अभी हम इसकी सफाई कराएंगे। जी गाइस, मैंने पूरा बगीचा जुता रखा है अपना, सफाई हो रखी है इसकी। ये पूरा हमारा 20 एकड़ का बगीचा है, जिसमें हमने लगभग 4 से 5 हज़ार पौधे अमरूद के लगा रखे हैं, और कुछ हमारे आम के 500 पौधे आम के हैं। हमने पूरे लाइन वाइज लगा रखा है अपना बगीचा, और बाकी हमने अपने बगीचे में जो बीच में जगह बचती है, हम उसमें लाही बोते हैं। हम इसमें गेहूं नहीं बोते, लाही ही बोते हैं बस, क्योंकि गेहूं से पेड़ को नुकसान होता है, लाही से कोई नुकसान नहीं होता है। इसलिए हमने अभी लेबर लगी हुई है बगीचे में, अभी दूसरे बगीचे में लगी हुई है लेबर। इसकी सफाई होगी, फिर इस पर मिट्टी चढ़ेगी, उसके बाद जो बगीचा में हमारे पेड़ हैं एकदम सुरक्षित तरीके से ऊपर की इसकी ग्रोथ होगी, एकदम फुल ग्रोथ होगी इसकी। और इसकी कटिंग करेंगे हम अप्रैल में, इसकी प्यूरनिंग करेंगे, जिससे कि ये कोपल जो आती है इसको हम तोड़ देते हैं, और जो फ्रूटिंग आएगी इस पर, फूल जो आता है वो भी तोड़ देते हैं। फिर हम इस पेड़ पर सर्दियों का अमरूद लेते हैं बस। और गाइस, अगर हमारे वीडियो में कोई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार मेरे प्यारे किसान दोस्तों।